मोदी पर सवाल उठाने वालों, जरा अपने गिरेबा में भी झांक लो। ये जो तुम कहते हो कि भारत में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, तुम्हारी सरकार होती तो क्या 2 दिन में ही 100 करोड़ लोगों को 2-2 डोज दे देती? शायद ये चमत्कार आप ही कर सकते थे। आपकी पार्टी की सरकारों का इतिहास यही बताता है। 67 साल देश की ऐसी सेवा की आपने कि हर देशवासी धन्य है। बच्चे बच्चे की जुबां पर आपकी ही तारीफ है। आओ आपके कारनामों का इतिहास देश को भी बता दें। दुनिया में टिटनेस वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई 1924 में और भारत में सत्ता पर काबिज सरकारों की नींद टूटी 1978 में। 54 साल लग गए टिटनेस का वैक्सीन भारत लाते लाते। दुनिया में जापानी इन्फ्लाइटिस के टीकाकरण की शुरुआत हुई 1930 में और भारत में मौजूद सरकारों को जाकर इसका ख्याल आया 2013 में। 83 साल देश को इंतजार करना पड़ा जापानी इन्फ्लाइटिस के टीके के लिए। दुनिया में पोलियो वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई 1955 में और भारत में सरकारों को जरूरत महसूस हुई 1978 में। 23 साल तक देशवासियों को यह बीमारी अपंग बनाती रही। दुनिया में हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई 1982 में और भारत में मौजूद सरकारों को जाकर याद आई 2002 में। 20 साल तक देश में बीमारी अपना कहर बरपाती रही। दुनिया में रोटा वायरस वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई 1998 में और भारत के लोगों को ये टीका लगना शुरू हुआ 2015 में। 17 साल लगे इस टीके को देश आते आते, वो भी मोदी सरकार आई तो ये काम हो पाया। अब आइए कोविड वैक्सीनेशन पर। दुनिया में कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई दिसंबर 2020 में और भारत में यह शुरू हुआ जनवरी 2021 में, यानी ठीक अगले महीने। एक महीना भी इसलिए लगा क्योंकि टीका विदेश से नहीं मंगाया गया। सरकार ने जी जान से जुटकर देश के ही वैज्ञानिकों को प्रेरित किया, हर तरह से सहायता दी और 2-2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बना ली। सोचिए, देश की 135 करोड़ जनसंख्या है और कम से कम 100 करोड़ लोगों को फिलहाल ये टीका लगाया जाना है। टीके की 2-2 डोज देनी है, यानी 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन की बर्बादी भी हो रही है। कुछ ही वक्त में ये सब संभव कैसे हो सकता है? सरकार ने जिन्हें पहले जरूरत थी उन्हें पहले वैक्सीन दी, जिन्हें अब जरूरत है उन्हें अब दी जा रही है। नेजल वैक्सीन पर काम चल रहा है, स्पुतनिक देश में आ चुकी है, दूसरी विदेशी वैक्सीन भारत लाने पर भी काम तेजी से चल रहा है। ये कोई बैगन टमाटर नहीं कि मंडी गए और खरीद लाए, वक्त तो लगता है। जिन्होंने वैक्सीन लाने में खुद सालों साल लगा दिए, वो चाहते हैं कि कोविड की 2-2 डोज 100 करोड़ लोगों को 2 दिन में ही लग जाए। वाह क्या बात है।